मेरी बहन को शॉपिंग कराने के लिए। पॉकेट ये जो है ना, ये मेरे आंटी यहाँ खोल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से होगा मेरा डेली व्लॉगिंग स्टार्ट। लाइक मैं फॉर अ वीक डेली व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मैंने लाइफ में अभी तक कभी भी नहीं डेली व्लॉगिंग किया है। सो आई थॉट ऑफ गिविंग अ ट्राई। तो देखते हैं मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि लाइक डू व्लॉग्स एंड ट्राई टू अपलोड रेगुलरली। तो आई थॉट लाइक लेट्स डू अ डेली व्लॉगिंग चैलेंज। तो मैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ हम लोग देखते हैं। तो आज है डे वन एंड आज मैं जा रही हूँ मेरी बहन को शॉपिंग कराने के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे नेक्स्ट मंथ है एंड नेक्स्ट मंथ से होता है दसे का सीज़न। तो दसे पर का सीज़न में कपड़े होता है बहुत ही ज़्यादा महंगे। तो अभी का जो भी कपड़ा होगा वो दसे के टाइम में उसका डबल रेट होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि उसको अभी दिलाते हैं एंड देन रख देते हैं दस उसके बर्थडे पे पहना देते हैं, क्योंकि उस वक्त भी सेम कपड़े होगा, इस वक्त भी सेम कपड़े होगा। तो वाई टू वेस्ट मनी। तो आज हम लोग कर रहे हैं उसके लिए शॉपिंग एंड इवन हम लोग उसको इतना बाहर लेकर नहीं जाते। हम लोग घर सिंगमारी में है एंड बाज़ार, तो हम उसको उतना नहीं लेकर जाते। तो वी थॉट लाइक उसको हम लोग घुमाने भी ले जाएंगे। तो आज का व्लॉग वही होगा एंड विश मी लॉक फॉर माई चैलेंज। तो आई मेक श्योर टू कम्प्लीट दिस चैलेंज एंड सीज गाइज आई जस्ट वॉन्ट योर लव एंड सपोर्ट। तो अभी हम लोग रेडी होके मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइज दिस इज माई आउटफिट एंड मुझे सब मेरे घर पर मेरा मजाक उड़ाता है, क्योंकि इसका पॉकेट ये जो है ना, ये डिज़ाइन ही ऐसा है, मैंने नहीं खड़ा है एंड नीचे भी ये तो बहुत भी ये लंबा टाइप का है ना। तो वो सब लोग मेरा मजाक उड़ाता है, मैं वो कोलुगा लगाती हूँ ये सब बोलते हैं, बट नेवर माइंड दिस इज माई फिट। एंड ये टॉप का मैं रिव्यू आप लोगों को मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत ही जल्दी दे दूंगी। तो यस गाइस अभी आंटी रेडी हो रहा है, तो अब हम लोग चलते हैं। मेरा ये सुबह मैंने टीका लगाया था, इसका दाग अभी भी यहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं आदू पर। आदू हेलो, तो अद्वी जब बड़ी होगी वो भी एक यूट्यूब चैनल खोलेगी। हाय आदु, तिमी पनि व्लॉग गर्छौ? तो अब हम लोग जा रहे हैं चौरस्ता। मोचा मेरा पैंट को मजाक बना दिया है। हेलो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं बाजार एंड मैं घर से बाहर निकलते ही भूख लग जाता है। आज मेरे आंटी मुझे खिलाएगा ढेर सारा खाना। गाइस सो अब गोको माफी चोरा था बोले देखे ना का गोको अब आयो हामीले बल ल्याउनै बिर्स्यो। हम लोग चौरस्ता पहुँच गए हैं। इसका खुशी देखो यहाँ ना, खुशी देखो इसका। अब हम कहाँ गएको? चौरस्ता में सुन अंत इसको ये इतना पसंद है चौरस्ता भैया। Thank you.
आदु हेलो का को यार हेलो हेलो आदु यहाँ 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 ना आप पकड़ते मेरा यहाँ वीडियो में आया ना यहाँ उधर हेलो हेलो गाइस हम लोग चौरस्ता से हम लोग नीचे जा रहे हैं हम मुझे पता नहीं नहीं भी हम लोग बिग बाजार जाएंगे तो इधर पर ये आदु खाको को तिमी माम खाने को माम खाई रहा है ना माम खाई रहा है तिमी माम खाने को कर दे तो खेरी अब हम लोग जा रहे हैं आज मैंने ऐसा टॉप पहना है एंड दिन हेलो हेलो झुंडी ने को चिना भाग बेला में के भन्नु बेबी कस्तो भयो के भन्नु भनेको के भयो रे ए बेबी खुसी भयो रे यो भिडियोमा भनिदिनु भनेको रहेछ बेबी खुसी भयो भनेर बेबी खुसी भयो अब हामी अहिले घरमा गएर हेर्नुपर्छ ओके घरमा गएर हेर्नुपर्छ ओके हम लोग बिग बाजार पहुंच गए हैं तो आदु इधर पर गाड़ी खेलेगा एंड क्या क्या होगा आओ आदु गाड़ी खेल जाओ कुछ खेल जाओ अभी मैं वेट नाप रही हूँ मेरा लास्ट टाइम मैंने जब वेट किया था आई वाज 57 गाइस मैं 52 से ऊपर कभी भी नहीं गई थी दिस इज द ओनली ईयर मैं 57 हो गया हूँ एंड आज फिर से चेक करते हैं घट गई हूँ गाइज बट एक के जी बढ़ गई म खाती भैस भन्नु त 58 अहिले खाएर एक केजी बढ्यो क्या म त 57 पनि यो बिच्छाको होला हौ है श्रीनगरमा बिच्छाको रहेछ भनेपछि मे 57 त नै हुँ उयो खेल्छ अरे बाजु हेलो केटी यो खेल्छ हौ आदु ले डर लागेको तो गाइस अभी हम लोग आए बिग बाजार आंटी को एक कुर्ती या टी शर्ट खरीदना है तो हम लोग अभी बिग बाजार पे हैं एंड लेट मी शो यू ऑल माय आउटफिट आदु याओ आई नाउ यहाँ देखाउ तिम्रो आउटफिट देखाउ यस भन्नुभयो कपडी खरिदने जाँगे उताबाट पनि खाली छ भन्दा अपि आउँछ तु यस गाइस तो थोरै देरमै मिल्ते है गाइस आदुका सपिङ होला है एन्ड मे खरिद रही हूँ उसको ए इधर से दो टी शर्ट एन्ड नीचे जाके हम कुछ खरीदेंगे उसके लिए इतना हिचकिया रहा है कौन कौन मुझे याद कर रहा है तो लेट्स गो नानी तो ट्रेन का ख़त्म हो गया है एंड अब हम लोग जाएंगे आदु का फ्रॉक खरीदने के लिए उसने यहाँ पर दो टी शर्ट खरीदा है एंड नाउ अब हम उसको फ्रॉक खरीद देंगे अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड दार्जिलिंग का एक ही आया नुक्स था एक ही था वो भी अब नहीं है खत्म है दार्जिलिंग तो खत्म एंड यहाँ पर मामा अर्थ का स्टोर खुला है इधर पूरा मन पर्यो वंडर गिफ्ट में नहीं है
थोड़ा थोड़ा खुश भी हूँ क्योंकि यहाँ पर मंगो होता है वंडर किड फेवर थोड़ा मंगो होता है ना, तो अब हम लोग जाएंगे किधर जाएंगे कहा जानो केक खाँच तुम्हें कसरी खाँच गाइस हम नमनम से भी निकल गए हैं नाउ अगेन अली का कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे लेकिन कुछ भी ले जिट कुछ भी अच्छा नहीं है तो अब हम लोग किधर जाएंगे पता नहीं है तो गाइस अब हम लोग जाएंगे फैंसी फैंसी नहीं है गाइस यसको भित्रबाटको त्यसको वाइट अलरेडी छ एक कुट छ त्यो लगाएर बाहिर गयो भने त पाकी गर्नुहुन्छ यहाँ खोल्नु थक गए हम लोग अभी आन्टी का सपिङ हो रहा है अद्विका नै मिला है बाहिर नजाऊ गाइस हम लोग अब घर जा रहे हैं एंड किसी का भी कुछ शॉपिंग नहीं हुआ है सिर्फ अंकल का हुआ है वो भी दो 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 नहीं तीन ए तीन वो आंटी ने खरीदे है बर्थडे आंटी बर्थडे नहीं वो घर में जाके सपना पड़ेगा घर जाके आप लोगों को मिलूंगी पापा का गाइज आज का दिन भी ख़त्म हो गया है एंड मैं अभी व्लॉग एंड कर रही हूँ तो आज का दिन बेसिकली हम लोग इतना चले पर फिर भी एक भी अच्छा कपड़ा नहीं था लाइक वी विजिटेड एवरी सिंगल स्टोर बड़ा स्टोर से छोटा स्टोर तक सारा स्टोर हम लोगों गए थे बट कहीं पर भी अच्छा नहीं था बिकॉज दशहरा का जो स्टॉक होता है उन लोगों ने अभी तक ओपन नहीं किया है एंड एवरी शॉपकीपर वाज टेलिंग दैट जो स्टॉक होगा एक दो दिन में आ जाएगा तभी आप लोग खरीदना एंड वी थॉट लाइक अभी खरीदेंगे तो हम लोगों को भी बाद में जाके रिग्रेट होगा क्योंकि बाद में अच्छे कपड़े आएगा तो ऑब्वियसली रिग्रेट होगा एंड आज हम लोगों ने जो भी देखा था वो सब पुराने वाला स्टॉक था जो अद्वी के पास ऑलरेडी है वो कपड़े तो हम लोगों ने सोचा कि लाइक मे बी विल ऑर्डर ऑनलाइन और मे बी हम लोग वो करेंगे दूसरे मंथ ही करेंगे अब ज़्यादा भी लग गया तो क्या कर सकते हो खरीदना तो खरीदना ही पड़ेगा तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हम लोग खतर नहीं करते तो गाइस दैट इज़ इट आज का दिन इतना ही था एंड ऑल्सो यू ऑल नो मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया है एंड आई एम वेरी वेरी स्केयर्ड लाइक मैं व्हाट इफ मैं नहीं कर सकती मैं वीडियो डालने के बाद ऑब्वियसली आई हैव टू डू दैट तो आई नीड योर सपोर्ट गाइज आई नीड योर लव इन कमेंट सेक्शन आप लोग कमेंट करो आप लोग मुझे कंटेंट दो लाइक ये वीडियोज़ डालो आप लोगों को क्या पसंद होगा वो करो इफ आप लोग वो मुझे आइडिया देते हो तो मुझे थोड़ा आसान हो जाता है कि लाइक मैं नेक्स्ट ये वीडियो करूँगी एंड मेरा रीच भी बहुत ही घट गया है इट इज़ माई फॉल्ट आई नो दैट मैं ही यूट्यूब से गायब हो जाती हूँ बट नाउ मैं फिर से वो सेम रखने के लिए मैं यूट्यूब पर एक्टिव होंगी मैंने सोचा है अभी लाइक मेरा माइंड सेट ही मैंने वही रखा है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी तो वही है गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरा आदत भी हट चुका है ना अभी तो आप लोगों के लिए और भी सरप्राइजेस है लाइक दूसरे व्लॉग में या मे भी उसके बाद व्लॉग में दिखेगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी हाँ पहले जैसे दिखाऊंगी लाइक क्या क्या होता है मेरी लाइफ में ऐसा तो यस गाइस अभी के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग